महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटने को लेकर सियासी बवाल के बाद अब राज्य सरकार ने नई प्रतिमा बनवाने का टेंडर जारी कर दिया। लोक निर्माण विभाग की कामकावली डिवीजन ने टेंडर जारी किया। राज्य सरकार ने मूर्ति प्रतिमा बनवाने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। इसी बीच कामकावली में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि हम बेहद सावधान रहेंगे, इस बार बनने वाली मूर्ति को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आई, ये भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। तो इस मूर्ति को लेकर के अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है नई प्रतिमा को लेकर के, वो आप जरा समझिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर इस नई प्रतिमा का निर्माण होगा। पहली वाली प्रतिमा जो थी वो 33 फीट की थी, अब जो नई होगी वो 60 फीट की प्रतिमा लगेगी, ये जानकारी है। जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा उसे कम से कम 100 साल की गारंटी देनी होगी, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टेंडर लेने वाली कंपनी को 10 साल तक प्रतिमा की देखभाल भी करनी होगी, यानी कि मेंटेनेंस को लेकर के भी इसमें क्लॉज होगा। साथ ही साथ ये भी शर्त रखी गई कि 6 महीने के भीतर प्रतिमा का निर्माण करा दिया जाएगा, यानी कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। जब निर्माण किया जो कार्य है वो बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़े, इसको लेकर के भी यहाँ पर शर्त होगी। इससे पहले जो प्रतिमा यहाँ पर लगी थी उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को किया था, लेकिन 26 अगस्त को वो टूटकर गिर गई। इसके बाद राज्य सरकार ने मूर्ति गिरकर टूटने की जांच के लिए 2 कमेटी बनाई थी। इससे पहले वाली प्रतिमा के बारे में भी कुछ जानकारी आपको हम जरा बता देते हैं। तो देखिए, जो पहली प्रतिमा थी जो कि गिर गई उसके बारे में अगर बड़ी बातें हम समझे तो देखिए, पिछली प्रतिमा के बारे में जानकारी, नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था, बीते साल प्रधानमंत्री की तरफ से इसका अनावरण हुआ। शिवाजी की मराठा नौसेना के सम्मान में इस प्रतिमा को लगाया गया था, यानी कि ये इसका उद्देश्य था। प्रतिमा के ढहने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने सत्ताधारी महायुति पर हमला बोला, निशाना साधा था। शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इसी जगह पर और भी बड़ी मूर्ति बनवाने का दावा किया। विपक्ष ने सरकार पर मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला था। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति होना भी स्वाभाविक है।